ज़रूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हरा धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और ये प्याज मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसकी ऑमलेट कटिंग कर ली है मैंने। खुश्क धनिया और ज़ीरा ड्राई रोस्ट करके ये हमें चाहिए 1 बेबी स्पून। और ये टमाटर हमने लिया है हाफ, इसके मैंने बीज रिमूव करके इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। शिमला मिर्च मैंने आधी ली है, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून है और ये पाउडर मिर्च का ये भी 1/2 टीस्पून है। ये हरी मिर्च मैंने 2 अदद ली हैं, इसको मैंने फाइन सा ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। ये काली मिर्च और ये गरम मसाला हमने लिया है 1/3 टीस्पून, दोनों चीज़ें 1/3 टीस्पून है। और बेसन हमने लिया है 4 टेबल स्पून और ये हसबे ज़रूरत हम यूज़ करेंगे, देखते हैं कितना यूज़ होता है। और ये ब्रेड के मैंने पीस लिए हैं 5 अदद। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ब्रेड सैंडविच बनाना बता रही हूँ, तो आइए हम आपको ब्रेड सैंडविच बनाना बताते हैं। गाइज, ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले ये 4 टेबल स्पून बेसन है ये डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और ये गरम मसाला, ये सुरख मिर्च और ये कुटी मिर्च, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। ये हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, ये हम टमाटर डाल देंगे, ये हम शिमला डाल देंगे। ये गाइस हम प्याज डाल देंगे, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना डालें। ये हरा धनिया ये डाल देंगे और ये खुशक धनिया और ज़ीरा ये हमने बस ये 1 बेबी स्पून डालना है। गाइस ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। गाइस ये नमक रह गया, नमक हम डाल लेते हैं, आपने हसबे जैका डालना है। और हम इसमें ये 1/2 टीस्पून डाला है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखें थोड़ा सा और पानी डालते हैं। ये देखें गाइस, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, बस हमें इतना ही चाहिए। मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और नीचे से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, बस। अब हमने गाइस ये ब्रेड लेनी है अपनी, ब्रेड लेके ये जो हमने बेसन और ये सारी चीज़ों का मवाद बनाया है इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें गाइस, ऐसे हमने इसके ऊपर लगाना है। इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा के बेटा बंद करिए हमारी। गाइस ये देखें कितने अच्छे से मैंने ये बेसन का मवाद इसके ऊपर लगा दिया। अब हमने ये जो फ्राई पैन लिया है इसके अंदर हमने ऑयल डाला था, ये इसके अंदर रख देंगे। ये देखें गाइस, अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह पड़े रहने देना है और 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और उतनी देर हम इसके ऊपर ये दूसरी तरफ भी ये बेसन का मिक्सचर लगा लेते हैं। गाइस जितना आपको पसंद है आपने उस तरह लगाना है, चाहे कम लगा ले चाहे ज़्यादा लगा ले, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। चले जी, ये देखिए मैंने ये दूसरी साइड पे भी लगा दी है। अब मैं 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें गाइस, अब हमने अच्छे से इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट लगाते हैं और आपको दिखाते हैं।
गाइस ये देखें, इस तरफ भी 2 से 3 मिनट हो गया, तो अब ये भी एक साइड से हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने अच्छे से हो गया। तो गाइस अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ, तो मैं बाकी पीस भी थोड़े से फ्राई करती हूँ और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, मेरी ये ब्रेड सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। गाइस ये मैंने एक नए स्टाइल में आपको ब्रेड सैंडविच बनाने बताए हैं। गाइस ये देखें कितने अच्छे और कितने खूबसूरत बने हैं, ये बहुत ही मज़े के हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बने हैं। तो आखिर में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो आइए गाइस मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, ये देखें कितने अच्छे हरे बड़े और कितने खूबसूरत हैं। ये देखें गाइस, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। गाइस इधर से हमें ये पता चलता है कि 4 टेबलस्पून बेसन हमारे 4 ब्रेड को लगा है, तो ये एक बहुत अच्छा माप है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत बने हैं। गाइस आप एक दफ़ा इसको